आवर चैनल। आज हम आए हैं आई किया, बहुत दिनों से हमें आना था बट आ नहीं पाए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आज हम आ पाए हैं। सो लेट्स सी, अभी स्टोर इसका नया फर्स्ट ओपन हुआ है मुंबई में, सो लेट्स सी क्या क्या है स्टोर में है। यस, और आपको भी हम एक छोटा सा टूर दे देंगे कि क्या क्या है स्टोर में। ओके सो लेट्स गो, मिलते हैं स्टोर में। एंट्रेंस वहाँ पे है ना, एंट्रेंस वहाँ पे भी लिखा है। बट बोर्ड्स और साइंस है बहुत सारे जगह पे, तो यू कैन जस्ट फॉलो द बोर्ड्स एंड साइंस सिंपल। लिफ्ट में जैसे आप देख सकते हो कि 8 से 9 लोग अलाउड है। एक मिनट, अभी P1 पे हम आए ना। हाँ, P1 पे आए हैं और यहाँ पे कोड दिखा के हमें अंदर एंट्री करना है। हाँ, क्योंकि हमने ऑनलाइन रजिस्टर किया है। मैसेज दिखाना है, मैसेज और मेल मेरी। ओके, तो ऐसा ईमेल पे यूजुअली आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन फ्रॉम देयर वेबसाइट, या फिर वेबसाइट का लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन चेक। रजिस्ट्रेशन इट्स फॉर 4 पीपल? नो, इट्स फॉर 2। ओके, जस्ट फॉर 2, सॉरी। या इट्स ओके, थैंक यू। तो रजिस्ट्रेशन कोड दिखाने के बाद वी आर जस्ट डायरेक्टली गोइंग फॉर द मेन एंट्रेंस अगेन। या, थैंक यू। QR कोड वापस दिखाना पड़ा है, तो 2 टाइम मैंने आपको दिखाना है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन कोड है। हाँ, QR कोड स्कैन किया हुआ है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं भी किया तो इट्स फाइन, आप ऑन द स्पॉट आके भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो अभी चालू हो गए हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है, क्यों यहाँ पर रेस्टोरेंट है बाकी बिल्डिंग, अभी भी हमें ऊपर ही जाना है। आई फील हम खो चुके हैं गाइस, हम खो चुके हैं, हमें नहीं समझ रहा है कहाँ जाना है। अभी हम लोग जा रहे लेवल 2 पे, देखते हैं क्योंकि लेवल 1 पे आएगा रेस्टोरेंट था, बहुत भीड़ थी, सब आ रहे थे। लेवल 2 पे आएगा सब शॉपिंग का है। वो भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, भीड़ है जितना मैंने सुना, तो उससे डबल भीड़ है। जैसे ही आप टॉप लेवल पे पहुँचोगे, टॉप फ्लोर पे, आपको पूरा जो है यहाँ पे सेटअप दिखने मिलेगा कि हॉल में कैसे सेटअप कर सकते हो, बेडरूम में क्या क्या सेटअप कर सकते हो, डाइनिंग टेबल, तो ये सब का सेटअप आपको दिखने मिलेगा। जैसे ये हॉल अगर आप देखोगे, यहाँ पे अलमारी इन्होंने सेटअप किया हुआ है, काला कोऑर्डिनेट करके किया हुआ है, यू नो मरून कलर और वो हिसाब से किया हुआ है, तो इसके अंदर आप ग्लासेस रख सकते हो, नॉवल रख सकते हो। और लेफ्ट साइड में उसके है एक सोफ़ा कम बेड, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ मरून कलर, और वो साइड पे टीवी का सेटअप किया हुआ है, तो वो हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको पूरा सेटअप किया हुआ है। फर्नीचर के बाद आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखने मिलेगी, कैंडल्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स, तो ये सब क्या छोटी मोटी चीज़ें जो है आप उससे घर डेकोरेट कर सकते हो। उसके आगे आपको देखने मिलेगी ये टेबल, और टेबल कम स्टोरेज, जिसके अंदर आप स्टोर भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टोर करनी है। यहाँ पे आपको वॉल शेल्फ जो है बहुत अच्छे अच्छे देखने मिलेंगे, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है यहाँ पे, मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। टीवी, लैंप्स, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों की आपको प्राइस मेंशन की हुई रहेगी वहाँ पे, तो यू कैन बाय इट अकॉर्डिंगली। और ये पूरा उन्होंने लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया सेटअप किया हुआ है, लिविंग एरिया में बड़ा सा सोफ़ा है जो बहुत कंफर्टेबल है, एंड यू कैन लाइक स्पेंड आवर्स एंड आवर्स सिटिंग हियर। ये जो सेक्शन है ये वाइट एंड ब्लैक लवर्स के लिए है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें वाइट एंड ब्लैक मिलेगी, और टेबल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा बेडरूम का सेटअप किया हुआ है और बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा बेड है ये, अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो, और आपके जो साथ में है उसे बोल सकते हो कि यू गाइस कंटिन्यू विद द शॉपिंग।
आपके बाजू में किया हुआ है। एक इसका रूम है जहाँ पे दो बंक बेड है, एक ऊपर एक नीचे है, एंड उसके बाजू में भी एक टेबल है जहाँ पे बैठ के वो स्टडी कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो लाइट है मुझे बहुत पसंद आई, लाइक इट इज समथिंग क्रिएटिव, एंड इसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे थे। ये है ब्यूटीफुल लाइट मिरर, एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिरर्स थे। मिरर के ऑप्शंस तो बहुत थे, लाइक अनकाउंटेबल मैं बोल सकती हूँ। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ था, यू आर ब्यूटीफुल जो आप सब हो। स्पीड बहुत सही है यहाँ पे, आई गेस वीक डे है एंड इट इज़ इवनिंग का स्लॉट हम लोग ने लिया था 4 बजे का, तो उसकी वजह से आई गेस द क्राउड इज टू मच, जितना सुना था उससे ज़्यादा है। ये है आइकिया का मोस्ट कलरफुल प्लेस, दैट इज द किड्स एरिया। यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी जो भी बच्चों को चाहिए रहती है। सैनिटाइजर्स आपको हर एक कॉर्नर पे मिलेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आइकिया एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर एक चीज़ लेने की इच्छा होती है, बट ज़रूरत नहीं भी होती है, बट तो भी ऐसे मन होता है कि नहीं ले लेना चाहिए, वो ऐसी प्लेस है। यहाँ पे सिर्फ पूरा लैम्प का सेक्शन स्टार्ट होता है, लाइक यू गेट वाइट लाइटनिंग, गोल्डन लाइट्स, ऑल टाइप्स ऑफ लाइट्स, एंड इवन बच्चों के एरिया के लिए भी लाइट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो है फ्लावर का लाइट्स है, बटरफ्लाई की लाइट है, एंड द मोस्ट क्यूट वन इज दिस वन, द पांडा लाइट। दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मिरर दैट आई सॉ इन आइकिया, लाइक बहुत अच्छा मिरर है, क्वालिटी इज वेरी गुड, एंड इट इज वेरी लाइक टाइनी एंड वेरी कन्वीनियंट इवन, सो यू दिस इज अ मस्ट टू हैव। एंड में जाते टाइम उसने मुझे प्रपोज किया, और गेस मेरा आंसर क्या था? जैसे ही आप चेकआउट करते हो बिलिंग काउंटर से, आपको छोटा कैफेटेरिया काइंड ऑफ मिलेगा जहाँ पे आप स्नैक्स खा सकते हो, एंड इट इज़ एट अ रीजनेबल प्राइस। अभी एग्जिट कर रहे हैं, बट एग्जिट पे भी इन लोग QR कोड जो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का वो मांगते हैं, तो मेक श्योर यू डोंट डिलीट दैट, और वो भी आपको दिखाना। तो अब हम व्लॉग आज का एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि मैंने देखा था मतलब बहुत सारे वीडियोस में कि बहुत स्ट्रिक्ट है वगैरह, मतलब बहुत कम क्राउड है, बट आज जो हम लोग ने देखा लाइक क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मे बी इट इज़ ड्यू टू द टाइमिंग के क्या पता नहीं, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वांट कि किसी के फेस पे ऐसे हम जाके यू नो कैमरा रख दे और ऐसे सब। सो या तो गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड होप यू गाइज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस व्लॉग से, अगर आपको कुछ डाउट है अच्छा लगा, हाँ, एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बाय।